हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्नोलॉजी। इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं Realme Narzo 50 Pro 5G फ़ोन की फुल डिटेल वीडियो। सिर्फ अनबॉक्सिंग वाला नहीं है, बहुत सारी चीज़ बताने वाले हैं इस फ़ोन के बारे में। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखते रहिए, देखने के बाद आपको शायद बहुत कुछ पता चल जाएगा इस फ़ोन के बारे में। और आपको बताने वाले हैं कि अभी मैंने इसको सेल में सिर्फ 16,000 रुपये में बाय किया है, और इस प्राइस पॉइंट में क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं, क्या वैल्यू फॉर मनी रहेगा या फिर नहीं, सब कुछ आपको बताने वाले हैं इसी वीडियो में। तो इस वीडियो का पूरा एंड तक देखते रहिए। सो हे फ्रेंड्स, मैं हूं तपोस, आप देख रहे हैं। बॉक्स के अंदर आपको एक सिलिकॉन केस, उसके साथ आपको सिम इजेक्टर टूल, कुछ पेपर वर्क, उसी के साथ स्मार्टफोन इटसेल्फ मिलेगा। स्क्रीन प्रोटेक्टर ऑलरेडी अप्लाइड है, और आपको एक 33 वॉट का डार्ट चार्जर, फास्ट चार्जर जो भी आपका ही है, और USB से टाइप सी वाला एक केबल आपको देखने को मिल जाता है बॉक्स में। 6.4 इंच 90Hz सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 360Hz टच सैम्पलिंग रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन के साथ भी आता है ये वाला डिस्प्ले, और एक पंच होल डिस्प्ले है जो साइड में आपको देखने को मिल जाएगा, पंच होल कटआउट। और एक बात की डायरेक्ट सनलाइट में आप इसका जो है डिस्प्ले देख पाएंगे, कोई भी परेशानी नहीं होगा। ब्राइटनेस इंडोर आउटडोर काफ़ी बेहतरीन है, वीडियोस व्यू एंगल भी काफ़ी बेहतरीन है। तो डिस्प्ले के मामले में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगा। डिज़ाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें तो आपको ऊपर की तरफ आपको ईयरफोन देखने को मिल जाएगा, और एक सेकेंडरी जो है स्पीकर भी है। लेफ्ट साइड में आपको पंच होल कटआउट में कैमरा दिया गया है, साइड की चिन आप देख सकते हैं कि एडजस्ट किया हुआ है, नीचे जो है आपको थोड़ा ज़्यादा जो है चिन देखने को मिल जाएगा। साइड की बेजल स्टिक है, लेकिन नीचे थोड़ा जो है ज़्यादा ही देखने को मिल जाता है। पीछे आएंगे तो आपको जो है पॉली कार्बोनेट बैग देखने को मिल जाएगा, ये वाला हाइपर ब्लैक कलर है। एक और आता है हाइपर ब्लू, ये हाइपर ब्लैक कलर है, आगे बताएंगे कलर के बारे में। पीछे आप देखेंगे पॉली कार्बोनेट बैग है, लेकिन जो है बीच में थोड़ा स्पेस है, मतलब कि अंदर की तरफ दबता है ये वाला बैग, तो अंदर स्पेस होने के कारण ये जो है थोड़ा इस तरह से आवाज़ करता है। आप सुनिए, और इस साइड में सुनिए, तो अंदर की तरफ ये थोड़ा दबता है, ये बाद में जब गाना सुनेंगे उसमें जो है प्रॉब्लम आएगा। प्रॉब्लम कैसा है उसके लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। पीछे आपको कैमरा कटआउट देखने को मिल जाएगा इस प्रकार से, जो ट्रांसपेरेंट है, आप साइड से देख सकते हैं अंदर कैमरा एक्चुअली। और इधर Narzo डिजाइन बाय Realme लिखा हुआ है। 3 कैमरा सेटअप है, प्लस भी आपको देखने को मिल जाएगा 48 MP कैमरा सेटअप। ऊपर की तरफ आएंगे तो आपको सेकेंडरी माइक देखने को मिल जाएगा, जो नॉइस कैंसिलेशन भी का भी काम करता है। नीचे आएंगे तो आपको ऑडियो जैक, आपको माइक, टाइप सी पोर्ट, स्पीकर देखने को मिल जाएगा। राइट साइड में आपको जो है पावर बटन देखने को मिल जाएगा, लेफ्ट साइड में आपको सिम इजेक्टेड टूल जो है छेद देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आप सिर्फ 2 ही सिम कार्ड यूज़ कर सकते हैं, कोई भी माइक्रो SD कार्ड यूज़ नहीं कर सकते। जी हाँ, तो 128 GB जो दिया गया है वही आपको यूज़ करना होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी माइक्रो SD कार्ड आप नहीं लगा सकते, सिर्फ ड्यूल सिम कार्ड ही लगेगा, तो ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आपको वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन, हाइपर ब्लैक कलर है, लेकिन अगर ये बहुत ज़्यादा लाइट पड़ता है आर्टिफिशियल लाइट, तो ये नेवी ब्लू कलर का एक्चुअली हो जाता है। और इधर से आप देखेंगे थोड़ा आपको डीप कलर नज़र आएगा, इधर थोड़ा जो है आपको लाइट कलर नज़र आएगा। जब आप हाथ में फ़ोन को पकड़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे, अदरवाइज देखने से आप नहीं समझ पाएंगे। तो 7.9 mm थिकनेस के साथ भी आता है, और एक कर्व्ड है, जी हाँ, तो पकड़ने में भी काफ़ी बेहतरीन लगेगा। तो डिज़ाइन के मामले में काफ़ी बेहतरीन है ये वाला स्मार्टफोन। 48 MP कैमरा सेटअप दिया गया है, मेन 48 का है, दूसरा वाला है 8 MP अल्ट्रा वाइड, तीसरा वाला है 2 MP का मैक्रो कैमरा। सैंपल्स आप देख सकते हैं कि मेन 48 MP में काफ़ी अच्छा फोटो निकल के आता है डेलाइट कंडीशन में, और ये 48 MP ऑन करके आप देख सकते हैं ये वाला फोटो। 48 MP ऑन करेंगे तो जूम वगैरह आप ज़्यादा कर पाएंगे, ये डिफरेंस है। और ये रहा अल्ट्रा वाइड 8 MP का, ये भी ठीक ठाक निकल के आ जाता है, काम चलो वगैरह है। 2 MP जो मैक्रो कैमरा है उनके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा, जो एक्चुअली मैक्रो शॉट्स लेना चाहते हैं। तो जी हाँ, दिया गया है तो काम चलाओ ठीक ठाक ही है। डेलाइट कंडीशन में मेन कैमरा की मैं बात कर रहा हूँ तो काफ़ी अच्छा फोटो आता है, निकल के आ जाता है। वहीं पे नाइट कंडीशन की बात करें तो नाइट मोड इसके अंदर दिया गया है। कैमरा जो है सेटअप बोलना चाहूँगा, कैमरा जो इंटरफेस दिया गया है इस फोन के अंदर, बहुत सारे फीचर्स दिया गया है, तो अगर आप यूज़ करेंगे तो आप अच्छा खासा फ़ोटो निकल पाएंगे रात में भी एडजस्ट करके। आपको 16 MP का सेल्फी कैमरा दिया गया है सामने की तरफ, और ये वाला डेलाइट कंडीशन में काफ़ी अच्छा खासा फ़ोटो ले लेता है। सबको मालूम है कि Realme का जो है सेल्फी काफ़ी बेहतरीन है एक्चुअली। जी हाँ, अदर्स फोन से मैं बोलना चाहूँगा कि Realme का जो सेल्फी है काफ़ी अच्छा फ़ोटो निकल के दे देता है डेलाइट कंडीशन में, और रात में भी अगर अच्छा खासा लाइट है तो आप बेहतरीन फ़ोटो निकाल पाएंगे इसके फ़ोन कैमरा से। तो कैमरा के मामले में
अच्छा है उतना बुरा नहीं है एक्चुअली। डायमेंसिटी 925G प्रोसेसर है जो 6 नैनोमीटर के ऊपर बिल्ड है और मेरे पास 6GB 128GB वाला वेरियंट है, एक और आता है 8GB 128GB, दोनों ही UFS 2.2 है और दोनों में ही आप एक्स्ट्रा 5GB डायनामिक रैम बढ़ा सकते हैं जो काफ़ी बढ़िया बात है। पबजी न्यू स्टेट खेलकर देखा, सेट कर सकते हैं आप इस वाले फ़ोन में ग्राफिक सेटिंग अल्ट्रा और फ्रेम रेट मैक्स के ऊपर आप सेट करके खेल सकते हैं। एंड्रॉयड 12 प्लस Realme UI 3.0 आउट ऑफ द बॉक्स। एप्स ड्रॉअर में आपको बहुत सारे ब्लोटवेयर देखने को मिल जाएगा, भर भर के दिया है, आप इनको रिमूव कर सकते हैं कुछ को छोड़कर। गूगल डायलर है तो जब भी कॉल रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो कॉल अनाउंसमेंट का वो आवाज़ आता है। कनेक्टिविटी की बात करें, 5G बैंड देखने को मिल जाएगा, ब्लूटूथ 5.2, 5GHz वाईफाई बैंड, वहीं पे आपको 4G प्लस कैरियर एग्रीगेशन भी देखने को मिल जाएगा इस वाले स्मार्टफोन में। 5000 mAh बैटरी, 33W का डार्ट चार्ज, मतलब कि फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है, टाइप सी पोर्ट है और चार्जर तो आपको बॉक्स में ही दिया गया है, और क्या चाहिए भाई। वहीं पे बैटरी बैकअप की बात करें तो इधर आपको जो है स्क्रीन ऑन टाइम नॉर्मल यूसेज में, जैसे कि थोड़े बहुत गेम खेलते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम यूट्यूब वगैरह चलाते हैं, तो आपको मैंने जितना यूज़ किया है आपको 7.5 घंटे या फिर 8 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल जाएगा। स्क्रीन ऑन टाइम मतलब कि इसका स्क्रीन ऑन रहेगा आप यूज़ कर रहे हैं उसकी बात कर रहा हूँ। वहीं पे अगर एक्चुअल नॉर्मल यूसेज की बात करें तो आपका 1.5 दिन आराम से चल जाएगा, 2 दिन भी जा सकते हैं अगर आप एक नॉर्मल यूसेज है हैवी यूसेज करेंगे तो। जैसे आप यूज़ करेंगे उतना आपका बैटरी ड्रेन होगा। 90Hz एमोलेड डिस्प्ले है उसी के कारण बैटरी थोड़ा ज़्यादा ड्रेन होगा जितना आप यूज़ करेंगे, लेकिन आपका 8 घंटे अगर नॉर्मल यूज़ करेंगे तो 8 घंटे स्क्रीन ऑन टाइम आपको देखने को मिल ही जाएगा। तो ड्यूल डॉल्बी एटमोस स्पीकर्स एक नीचे है, दूसरा वाला जो आपका ईयरफोन रहेगा यही सेकेंडरी स्पीकर का काम करता है। जैसे कि आपने सुना इसका स्पीकर काफ़ी लाउड है, इस वाले स्पीकर में काफ़ी ज़्यादा आवाज़ आता है, इसमें कम, लेकिन जब आप सुनेंगे गाना वगैरह तो आप समझ नहीं पाएंगे क्योंकि काफ़ी बैलेंस्ड किया हुआ है। और याद कीजिए मैंने आपको पहले बताया था इसका जो बैक पैनल है ये थोड़ा दबता है, इसीलिए जब भी आप कोई स्पीकर में कोई गाना या फिर वीडियो सुनते हैं तो पीछे वाइब्रेट होता है। जी हाँ, यही मैंने आपको बताया था कि अगर ये दबता है तो आपका जो है बैक पैनल वाइब्रेट करेगा, तो जब भी आप हाथ में नंगा इसको पकड़ के यूज़ करेंगे तो ये वाइब्रेट होगा। इसके साथ जो कवर आया था उसको लगड़ कर अगर आप यूज़ करेंगे तो थोड़ा वाइब्रेट कम हो जाएगा, लेकिन वाइब्रेट होगा। वाइब्रेशन से याद आया, एक्स एक्सिस लीनियर मोटो देखने को मिल जाएगा, तो जब भी आप टाइपिंग करेंगे और आपका जो टाइपिंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहेगा, बैक वगैरह करेंगे अगर इनेबल करके रखते हैं जो वाइब्रेशन होता है, तो एक्स एक्सिस लीनियर मोटर के कारण आपका जो है टाइपिंग का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा आएगा। तो मेरे मामले में मैंने इससे पहले भी एक्स लीनियर जो है वाइब्रेशन का यूज़ किया है दूसरे फ़ोन में, उससे उतना बेहतरीन तो मुझे नहीं लगा, लेकिन हाँ आपका एक्सपीरियंस अच्छा ही आएगा। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी काफ़ी फास्ट है, कोई भी परेशानी आपका नहीं होगा, फेस अनलॉक भी है इसके अंदर जो भी काफ़ी फास्ट वर्क करता है। तो क्या आपको ये वाला स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं, तो ये मैं प्राइस पॉइंट के हिसाब से बोलना चाहूँगा कि अगर आपको ये 16,000 या फिर 17,000 रुपये में मिल रहा है तो कुछ नहीं सोचना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पे जाइए, जो कलर आपको पसंद आता है तुरंत बाय कर लीजिए। जी हाँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है, आप खुद सोचिए। 90Hz रिफ्रेश रेट, सुपर एमोलेड डिस्प्ले, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट, ड्यूल स्पीकर, 5G है, और क्या चाहिए भाई इस प्राइस में। तो जाइए बाय कर लीजिए, अगर ये 16,000 या फिर 17,000 रुपये में मिल रहा है उससे कम में मिले तो और कुछ नहीं सोचना, जाकर बाय कर लीजिए। लेकिन अगर ये 18,000 या फिर 19,000 या फिर उससे ज़्यादा मिलता है, 18,000 रुपये में भी आप इसको बाय कर सकते हैं, कोई भी बुरी बात नहीं है, लेकिन उससे ज़्यादा में बाय करेंगे तो थोड़ा सोचिएगा, उसके बाद ही बाय कीजिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों आपको पूरा वीडियो देखने के लिए, आशा करता हूँ आपको रियलमी नार्जो 50 Pro 5G की ये वाला डिटेल्स वीडियो देख के अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना। इंस्टाग्राम, ट्विटर या फिर फेसबुक पे फॉलो करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है और इसका बाय लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे जाके आप इसको डायरेक्ट बाय कर सकते हैं।